हे गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में तो गाइस एफ ने इस साल के जो एफ ए हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं पाँच नवंबर दो हज़ार इक्कीस को रिलीज़ किए थे कट ऑफ डेट क्या है एलिजिबिलिटी की बारह नवंबर दो हजार इक्कीस कैन वी रिक्वेस्ट चेंज इन सेंटर नो ठीक है विल नॉट बी एंटरटेनड है ना कैन वी रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल एग्जाम सेंटर नो कैन नॉट बी कैटर्ड है ना एट दिस स्टेज हाँ कैंडिडेट आर टू सेलेक्ट द सेंटर ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम द देंटर लिस्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग ठीक है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको देखना है आई मेड ये सबका क्वेश्चन है आई मेड पेमेंट अकाउंट वाज डेबिट फ्रॉम माय अकाउंट अमाउंट वाज डेबिटेड बट माय एप्लीकेशन सेज अनपेड एप्लीकेशन इसमें अगर अड़तालीस घंटे चेक कर लो बैंक अकाउंट अगर क्या अमाउंट आ जाता है वापस तो ठीक है अगर नहीं आता तो आप भैया इसको जो है नम ये रजिस्ट्रेशन नंबर बैंक पेमेंट प्रूफ जो है ये ट्रांजैक्शन नंबर वेरिफिकेशन इस, इस साइट पे मेल कर देना अगर दो दिन के अंदर नहीं आता लेकिन अब कल का टाइम बचा नहीं है कल आखिरी डेट है तो प्रेफर यूपीआई है ना मैंने दस बारह लोगों की पेमेंट करवाई थी है ना तो जो लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह आई थी मेरे पास कि सर हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या कुछ है तो मैंने उन लोगों की हेल्प की थी उनके फॉर्म फिल करवाने में तो पे बाय यू पी आई है ना नो टाइम टू टेक रिस्क ठीक है यू में स्कैन वाला ऑप्शन अपनाना और ट्राई करना कि लैपटॉप से बनना ठीक है कल लास्ट डेट है बस भैया चौबीस घंटे बच रहे हैं उसका एप्लीकेशन लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा फिर नेक्स्ट जो है पॉइंट है एफ ए क्यू का वो ये कह रहा है कि आई हैव मेड पेमेंट मोर देन वंस है ना आप भैया कुछ लोगों ने धड़ाधड़ धड़ा पेमेंट कर दी बट फॉर मोर देन वंस फॉर अ सेम एप्लीकेशन तो इसमें कह रहा है कि ठीक है आप एक काम करो रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक पेमेंट प्रूफ भेज दो और इस ई मेल आई डी पर हेल्प डेस्क ट्वेंटी ट्वेंटी वन एफ एस एस आई हेल्प डेस्क ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम देख लेना भैया अच्छे से फिर मेरे से पूछते हो कमेंट में तो ये है एफ डब्ल एस ए आई हेल्प डेस्क ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है उसके बाद व्हाट इज द पे इक्विवेलेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योरेंस क्या पब्लिक सेक्टर बैंक का जो पे है वो इक्विवेलेंट माना जाएगा तो भैया सीटीसी जो है आपका क्राइटेरिया कॉस्ट टू कंपनी जो होता है है ना वो देख लेना क्या है इसमें लिखा हुआ है ठीक है और आई मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है फॉर एडवर्टाइज पोस्ट लेकिन मैं फाइनल सेमेस्टर में हूं लास्ट डिग्री के लास्ट ईयर में हूं तो भैया ये कह रहा है कि 12 नवंबर तक पूरा कर लो तो आप एलिजिबल हो फिर कह रहा है कि आ, ये भैया ये, ये बहुत काम का है, है ना मेरे जैसे mm -hmm. लोगों के लिए कि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पी एस यू डू वी नीड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल यस थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना पड़ेगा और एन देना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक है जो ऑलरेडी सर्विस में है अच्छा आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डू आई हैव टू हाँ ये बहुत लोगों का आ रहा हैं किसने फेक वेबसाइट पे डाल दिया था है ना तो बहुत बच्चों का ये मैसेज आया है मेरे पास कि सर हार्ड कॉपी भेजनी है हार्ड कॉपी भेजनी है अरे भैया नहीं भेजनी हार्ड कॉपी नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड है ना एक किसी वेबसाइट न्यूज पोर्टल में पता होता तो होता नहीं न्यूज़ पोर्टल को आज ये अधूरी बात होती है तो आज ये अधूरी छाप देते हैं कि खाली ऐसे नहीं भेजना भी है है ना मेरे पास एक वो भी आया था मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होगा तो गाइज तो तो ये वाला जो था आ, कि ये जो है कि हार्ड कॉपी भेजनी है कि नहीं भेजनी तो देखो किसी ने किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था कि ये जनसत्ता वालों ने छाप दिया है कि उम्मीदवारों को इन पदों के लिए करना चाहते हैं तो ये जान लें कि इसके अलावा उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भेजनी होगी अरे न्यूज़पेपर वालों भैया ऐसा खिलवाड़ मत किया करो आप भी पूरी जांच पड़ताल कर लिया करो और दूसरी चीज़ ये है कि भाई लोगों आप भी पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा करो कोई लोटिस वोटिस तो नहीं आया चलो उसने एफ रिलीज़ कर दिए हैं तो उसमें उन्होंने लिख भी दिया कि हार्ड कॉपी नहीं भेजनी तो यहाँ पर हार्ड कॉपी भेजने की किसी को जरूरत नहीं है ठीक है और कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट यस कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट उन्हें तो पैसा चाहिए भैया आप एक या दस पोस्ट का अप्लाई कर दो दूसरा डिग्री क्वालिफिकेशन प्रजेस्ट माई बी इज़ नॉट इन ड्रॉप डाउन है ना कैन आई अप्लाई फॉर अंडर इक्विवेलेंट तो उसमें कह रहा है कि आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंश्योर कर लो और उसके बाद ही इसमें जो है भरना है ना अगर नहीं है तो अदर में डाल के भर दो हाँ ये क्वेश्चन आपका था कि भैया प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है क्या वो दिल्ली ही रहेगी तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्ट इन एनी ऑफिस एग्जिस्टिंग और ओपन इन फ्यूचर है ना यहाँ पे भी भेजा जा सकता है आपको ओपन इन फ्यूचर में भी ओपन होने वाली है ना कई जगह तो वहाँ के लिए कैन अप्लाई फॉर सेंडिंग बाय रिज्यूम पोस्ट थ्रू ईमेल भैया ई मेल मत भेजो ई मेल मेल से डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर लो जो ये वेबसाइट दी है क्या हम तो भैया रिड्यूस या वेव कर दो हमारे लिए एप्लीकेशन चार्ज तो बोल रहा है उसमें बोला है कि नहीं नहीं होगा फीस आपको पे करनी है मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कैंडिडेट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीनस ऑल पर्सन अपॉइंटेड इन दर्विस ऑफ एफ ऑन रेगुलर बेसिस है ना बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रू रेगुलेशन दो है ना तो इसमें कह दिया उसने डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज कौन है देखो यह जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से अपॉइंट जो सो जो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन में वो उसके एम्प्लॉय हो जाएंगे है ना जो लोग बिफोर और आफ्टर इस सर्विस में आए हैं दो हज़ार अट्ठारह में इनका रेगुलेश रिक्रूटमेंट रेगुलेशन आया दो हज़ार अट्ठारह में तो उससे पहले और उसके बाद जो है उनके <laughs> लिए ये अप्लाई हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे जो है अब कह रहा है वैर सी वी टी स्टेज आ, विल बी पेन पेपर मोड नो तो इन्होंने साफ मना कर दिया नो no, सब जो है आपके एक्सेप्ट फॉर पोस्ट ऑफ फूड एनालिस्ट बाकी सब आपके कंप्यूटर बेस्ड हैं ठीक है थीके? चलो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी हाउ टू रिपोर्ट एट डिस्क्रिपेंसी तो जैसे ही आपको पता बताए डिस्क्रिपेंसी पर तो तुरंत मेल कर देना इनके हेल्पलाइन पे और डिस्क्रिपेंसी एनी इन द क्वेश्चन पेपर तो उसके लिए भी तुरंत बता देना इन लोगों को ठीक है ये सब बताया कि, कि किसी और पोस्ट का पेपर है तो कहीं आप सॉल्व करने लग जाओ सी एफ एस ओ वगैरह का तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इन्होंने कह दिया है ठीक है तो आई होप आपको सारे इसके क्यूज़ क्लियर हो गए होंगे है ना और साथ में जो भी नया नोटिफिकेशन होगा उसको मैं आपको क्लियर करता रहूँगा साइट टाइम टू तो टाइम साथ में ये चीज़ें गाइस जिनकी पेमेंट नहीं हो रही है यू से ट्राई कर लें और आज लास्ट है तो ट्राई करें कि रात को ही भर लें वो फॉर्म ठीक है या सुबह होने तक क्योंकि उसके बाद शायद सर्वर बिजी हो जाए लास्ट डेट है बहुत सारे नमूने लोग लास्ट डेट का इंतजार करके कल ही भरेंगे है ना तो इसलिए आप पहले से पहले भर लें और रात को सर्वर थोड़ा फ्री रहता है है ना साइट स्मूथ चलती है पेमेंट वगैरह भी जल्दी आती है यू ही ट्राई करें डोंट टेक रिस्क है ना स्कैन कर लेना स्कैन करके पेमेंट हो जाएगी स्कैनर वाला यूज़ करना वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं तो वीपी वाला मत ऑप्शन यूज़ करना है ना और वो ट्राई करना ओनली स्कैन वाला तो उससे पेमेंट कर दी मैंने सात आठ लोगों की कराई है तो आई होप आपके सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेना है ना बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत आए तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना एंड आई विल हेल्प यू थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो